ये मऊ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रसिद्ध थे। इस मऊ नहीं उस वक्त का आजमगढ़ जनपद था और मऊ जनपद के प्रथम एमएलए थे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब अल आजमी, जिनके ये साहबजादे थे मौलाना अब्दुल रशीद साहब अल आजमी, जो मदरसा मिरकातुल उलूम के नाजिम थे। उनका कल शाम को इंतकाल हुआ और बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह वाले थे और आज उनकी मिट्टी में हम सब लोग शरीक थे। मऊ का 90% लोग आज इस जनाजे में शामिल हैं और वह एक ऐसे इंसान थे जिनको सिर्फ अल्लाह से, दुनिया से, इंसानियत से और भाईचारगी के अलावा दुनिया में कोई बात नहीं जानते थे। आपस के लोगों की मिल्लत में इत्तेफाक रखते थे, दीन का काम बेहतर हो उसके लिए वो जाने जाते थे। इनके वालिद साहब का जब इंतकाल तब हुआ था तो हम लोग बहुत छोटे थे और रेलवे ग्राउंड में उनकी मिट्टी हुई थी, जनाजा हुआ था और मिट्टी यहीं उनके घर के पास हुई थी। उस दिन पूरे हिंदू और मुसलमानों का सब कुछ कारोबार बंद होकर लोग सड़कों पर उतरे थे। अभी यहीं मौलाना महफूजुर रहमान साहब का इंतकाल हुआ था तो शीतला माता मंदिर का गेट खुल गया था। उस जमाने में फाटक उस पार की जितनी मंदिरें थी उसका गेट खुल गया था। ये मिल्लत का शहर है, ये भाईचारगी का शहर है और इस शहर में न कोई किसी को ऊंच कहता है न कोई नीच कहता है, ये सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेकने के अंदाज से लोग देखते हैं। उसी परिवार से इनका मिलान था और उन्हीं के लड़के थे जो बड़े मौलाना के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उन्हीं के असेंबली के सबसे पहले मेंबर असेंबली हुए थे, मगर उन्होंने असेंबली के भीतर जाकर बैठना शुरू किया और बैठने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह मेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है और उन्होंने असेंबली में रहते हुए भी न कोई सरकारी तनख्वाह लिया उन्होंने, न कोई सरकारी भत्ता लिया और न सरकारी अन्न का इस्तेमाल किया और सिर्फ अपने जीत के जनता के वोट से गए और लखनऊ में मदरसे में ही रहकर और लखनऊ के असेंबली में जाते थे, सरकारी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किए। वह मुजाहिद आज़ादी भी थे मगर मुजाहिद आज़ादी के नाम पर उन्होंने किसी तरह का सरकार का कोई लाभ नहीं लिया। वह उनकी इतनी बड़ी एक मिसाल थी और इस शहर के लिए नहीं ये पूरी दुनिया के आलिम इस्लाम के लिए वह बेनज़ीर आदमी थे। बताया जाता है हिंदू भी उन्हें बहुत काफ़ी मानते थे, तो क्या खासियत थी कि हिंदू भी उनको इतना मानते थे? उनकी इंसानियत बहुत बड़ी थी, वह न हिंदू न थे न मुसलमान थे, वह एक इंसान थे और अपने ईमान के बड़े पक्के थे। आइस नाते उनको सारे लोग उनका सम्मान करते थे। ठीक ठीक है।